कहाँ चली गई थी यार? तकरीबन सुबह से गायब हो, ये कोई तरीका है? बता रही हूँ हस्बैंड, क्या हो गया? सबर कर ले, बाहर से आई हूँ, सांस तो लेने दे। ले लो सांस। लेकिन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन साइलेंट पे था, आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? तो मैं नहीं पूछूंगा, मैं कंसर्न हूं तुम्हारे लिए। तुम कहाँ गई थी, बताकर भी नहीं गई। कब वापस आओगी, कम से कम बता तो अच्छा देती। अच्छा अच्छा आप बैठे, आप अरे बैठे ना। भाई देखिए, मुझे ना मार्केट जाना था और उसी वक्त फराज ही बाहर जा रहा था। उसने मुझे ऑफर की कि मैं उसके साथ चलूं। ऑफर क्या, बल्कि जबरदस्ती मुझे अपने साथ लेके। उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और तुम उसके साथ चली गई बाहर। हाँ, हाँ वो तो हमेशा ऐसे ही करता है, बहुत मूजोर है। बड़े स्ट्रॉन्ग विद यू। अभी कल उसकी बीवी ने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है और आज तुम उसके साथ घूम फिर रही हो। क्या कर रही हो यार? अगर तुम्हें शॉपिंग पर ही जाना था तो तुम मुझे बता देती, मुझे कॉल कर देती, मैं ले जाता। उसके साथ जाने की क्या जरूरत थी? क्यों? असवंत, आप क्यों नहीं समझ रहे? क्या आप क्या चाहते हैं? मैं उसको इनकार कर देती, हाँ, ताकि ये जो कल मामूली सा झगड़ा हुआ था, ये एक लंबी दुश्मनी में बदल जाता। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है असवंत, कि आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? भाई, सीरियस? तुम्हें नहीं पता कि मैं ये ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूं? नहीं, मुझे नहीं पता और मुझे समझना भी नहीं है। असल में जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और आपको मेरी बहुत केयर है, लेकिन सॉरी टू से असफंद, आप कभी कभी ना आपकी मोहब्बत मेरा दम घोटने लगती है। इधर देखो, अब तुम्हारा दम भी घुटने लगा है मुझसे। हाँ, घुटने लगा है मोहब्बत करते हैं ना आप मुझसे, तो मोहब्बत करें। मेरी सांसों पे, मेरी जिंदगी पे इस तरह हुकूमत मत करें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ऐसे। और हाँ, फराज और मेरे बीच अब सिर्फ देवर और भाभी का रिश्ता है। मुझे रिश्तों की अच्छे से समझ है।